आप टर्म टू के एग्जाम्स को लेकर टेंशन में हैं? क्या आपको लगता है कि टर्म टू के एग्जाम्स में स्कोर करना मुश्किल होगा, क्योंकि टर्म टू का एग्जाम सब्जेक्टिव है? तो आपके लिए एक गुड न्यूज़ है, प्रोग्रेसिव स्कूल्स कॉन्फ्रेंस की तरफ से CBSE के चेयरमैन विनीत जोशी को एक लेटर लिखा गया। उस लेटर में ये कहा गया कि टर्म वन में स्कूल्स ने स्टूडेंट्स को ज़्यादा मार्क्स दिए हैं या फिर टर्म वन में चीटिंग हुई है, इसलिए टर्म वन की वेटेज को कम कर दिया जाए, 30% वेटेज रखने की मांग उन्होंने की थी। लेकिन CBSE के चेयरमैन ने कहा है कि टर्म वन और टर्म टू दोनों की वेटेज बराबर रहेगी, यानी कि दोनों की वेटेज 50-50% ही रहने वाली है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के रिज़ल्ट अगर देखे जाएँ तो टर्म वन के रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे आए हैं। तो उन स्टूडेंट्स के लिए एक गुड न्यूज़ ये है, अगर आपका टर्म वन का स्कोर अच्छा है तो आपको पास होने में ज़्यादा इजी होगा। इसके अलावा टर्म टू में अगर आप मेहनत करते हैं तो आपके अच्छे खासे परसेंटेज बनेंगे, अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। तो इस वजह से मुझे लगता है कि टर्म वन की वेटेज अगर 50% होती है और टर्म वन में आपका स्कोर अगर अच्छा नहीं भी आता तो भी आपके टर्म वन में अच्छे मार्क्स होने की वजह से आपके पास होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि टर्म वन का पेपर ऑब्जेक्टिव था और स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्सेज या उनके रिजल्ट्स को देखा जाए तो उनके हिसाब से पेपर उनके अच्छे भी गए हैं। तो आई होप वीडियो में आपको मज़ा आया होगा और गुड न्यूज़ जो मैंने बताई वो भी आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी अपडेट्स आपको मिलती रहें।